Morning with Farah. वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग मॉर्निंग विद फराह। आदत नहीं रही ना अब इस तरह से कि तालियां बजाएंगे हमारी ऑडियंस और पार्टिसिपेंट और फिर आपने शुरू करना है, तो आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से मिलना भी और आप सबकी गाने सुनना भी और आपके सुर जो है उसको एंजॉय करना भी। आई होप आप सब भी एटीवी की स्क्रीन पर मॉर्निंग विद फराह में आज अलमुदस्सर ट्रस्ट के तावुन से ब्लाइंड आइडल को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला ने कैसा कैसा सुर और टैलेंट जो है वो हमारे मुल्क में रहने वाले बच्चों को अता किया है, जो कि आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ अरीब अज़हर हैं, रिजवान हैं, जो कि जज करेंगे। ये पहला राउंड है जिसमें से हम देखेंगे कौन क्वालिफाई करते हैं फरार फाइनल राउंड, और फिर उसमें कंपटीशन होगा। जो विनर होगा वो 1,00,000 रुपया, जो सेकेंड आने वाला है उसे 50,000 रुपया, और थर्ड आने वाला 25,000 रुपया जो है वो लेकर जाएगा। लेकिन आप सब हमारे दिल ऑलरेडी जीत चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको रात को नींद कैसे आएगी जब ये आप में से किसी एक को 1,00,000 रुपए का मुस्तहिक करार दे देंगे, दूसरे याद आते रहेंगे। चलिए जी, आपकी इजाज़त हो तो हम अपने जी हमारे पास एक और बहुत टैलेंटेड सिंगर मुबीन, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक है मुबीन? जी सियालकोट से। सियालकोट से, बड़े जबरदस्त सूट पहना हुआ है आपने, जबरदस्ती तैयारी है, क्या सुनाने जा रहे हैं? मैं एक ओएसटी सुनाने की कोशिश करूंगा, मेरे पास तुम हो, राहत अली खान ने उसको गाया है। क्या बात है जनाब, उस्ताद राहत अली खान का गाया हुआ। चले बिस्मिल्लाह। मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रसमल ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तलुक को निभाते आए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगो, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, मगर तुम से सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिए
कर जाइएगा। बहुत बहुत खूबसूरत जुबैर। एक तो राहत फतेह अली खान साहब का गाया हुआ ये गाना बहुत सारे लोगों का पसंदीदा है, और मुझे लगता है आपने बहुत खूबसूरत गाया। बड़ा मुश्किल गाना है। बहुत मुश्किल है, मुश्किल गाना है बहुत। लेकिन अगर मैं सॉरी मैम आपकी बात को अगर मैं पर्सनली बात करूं तो परफॉर्म करके थोड़ा सा मुझे मज़ा नहीं आया इसको। नहीं आया क्योंकि मैंने ना दरअसल जिस तरह इसको पहले परफॉर्म मेरा दरअसल कुछ प्रैक्टिस करके ना तो गला जो है ना वो ख़राब है, तो अभी तो उसको मैंने लाउडली गाना था अभी तो, लेकिन खैर कोशिश किया अभी तरफ से तो उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा गाया और वो तो हमेशा जो है वो चाचनी तो रहनी चाहिए। हाँ। अच्छा मुबीन का जो इमेज है ना आपने शूट की तारीफ की, मुझे वो हबीब वली मोहम्मद साहब याद है आपको? हाँ, बिल्कुल याद। वो भी हमेशा आपने खूबसूरत इमेज रखा था अपना। हाँ, हारमोनियम लेके बैठते थे लेकिन इसी तरह सुपर बूटेड बैठते थे। बहुत अच्छे लगे आप। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या बात है। और मुबीन बहुत अच्छा, एक तो गाना आपने सुर बहुत अच्छा पकड़ा और दूसरा तासुर भी अच्छा था ना, हमें सुनने में उसका फील बड़ा अच्छा, मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर। मैं जुबैर को बार बार मुबीन कही जा रही हूँ, हालांकि जुबैर जुबैर मुबीन जो है ये पूरा नाम है। सो जुबैर वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। सो साथी कितना नंबर देने वाले हैं जुबैर को? 8 7 8 7 8 8। क्या बात है फवाद, सबसे ऊंची बोली जो है ना वो फवाद की होती है। सबसे छोटा सबसे बड़ा दिल, सबसे बड़ा दिल, क्या बात। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जुबैर। और अब हम बुलाएंगे ब्लाइंड आइडल के अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को, और मुझे लग रहा है या मुझे लग रहा है या पता नहीं मैं बाईस हूँ, मुझे लग रहा है कि द बॉयज आर गोइंग रियली वेल, दे आर डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह। एंड जो लड़कियां हैं उनको अभी बहुत कैचअप करना पड़ेगा इंशाल्लाह, हमारी जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें बहुत कैचअप करना पड़ेगा, लेकिन लेट्स होप कि हमारे जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी उतना ही स्ट्रांग आए जितने कि हमारे आज मेल पार्टिसिपेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे वेलकम करेंगे नूरुल ऐन को। उम्र आपकी? मेरी एज 13 साल है। 13 साल। तारा सैयद साहिबा की खूबसूरत आपने जो है वो गीत हमें सुनाया, पसंद है आपको क्या वो? और इस गाने में कितनी मुश्किल जगह आपने ली है, कोई हमसा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच नूरुल ऐन। और अब हम अपने ब्लाइंड आइडल स्पॉन्सर्ड बाय अल मुदस्सर ट्रस्ट के नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाने जा रहे हैं, और हमारे साथ होंगे अली हसनैन। लफ्ज कितने तेरे पैरों से
जब आखरी खत मेरा जलाया होगा, तुमने जब फूल किताबों से निकाले उस्ताद राहत फतेह अली खान ने गाना बहुत खूबसूरत गाया हुआ है और इतने सुर के स्केल चढ़ना जो है ना मैंने उन्हीं में देखा है। आपने भी बहुत अच्छे ऊंचे वाले सुर को है ना, खुले गले के साथ मजा आ गया। वाह क्या बात है। मजे की बात अली हसनैन को मैं ऑब्जर्व कर रहा था, ये इनका हाथ कांप रहा नहीं था, ये फील से ना अपनी वाइब्रेशन उनके हाथ में नजर आ रही थी लेकिन वॉइस के में आ रही थी बेसिकली वाइब्रेशन जो थी। तो हसनैन आपने तो सीखा है जी सर, कितने अरसे से सीख रहे हैं आप म्यूजिक? मुझे 5 साल हुए। 5 साल माशाल्लाह। और कहाँ कहाँ से सीख रहे हैं? मैं अपने स्कूल में स्पेशल एजुकेशन सेंटर उकाड़ा। क्या बात, उस्ताद सर हसरून खान साहब। क्या बात, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब चूंकि हमने बहुत हमारा ये क्वालिफाइंग राउंड है और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जजेस क्या करेंगे, मुझे तो लग रहा है सब क्वालिफाई हो रहे हैं नेक्स्ट राउंड के लिए और कौन इनमें से विनर होगा, बहुत मुश्किल हो रहा है, कौन 1 लाख रुपया जीतेगा, कौन 50,000 रुपया जीतेगा, कौन 25,000 रुपया जीतेगा। अलमुदसर ट्रस्ट ने आज ये जो स्पॉन्सर किया है ब्लाइंड आइडल, आप उसे देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अली हसनैन थैंक यू, और मैं अपनी नेक्स्ट सिंगर को यहाँ पे दावत दूंगी, उशना के लिए बहुत सारी तालियां। ढोल मनावणाए सकु ढोल मनावणाए भावे सिर दी बाजी लग जावे, ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे, ए ओ खतरा जावणाए, ए ओ खतरा जावणाए, भावे सिर दी लग
आपने क्लोजिंग भी पूरी लय में पूरे सुर में किया उसकी आखिरी जो आपने आईमा बैग का जो एक स्टाइल है उनका वो आपने उसका ताजा कर दिया। क्या जो आवाज में जरा वो लाती है लचक लाती है ना वही मैंने कहा क्लोजिंग भी आपने उसके साथ की क्या बात है उष्णा थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच। कितने नंबर भाई उष्णा के 8 9 8 9 10 ओके थैंक यू वेरी मच उष्णा बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम यहाँ पे दावत देने जा रहे हैं अपने अगले बहुत टैलेंटेड सिंगर को प्लीज वेलकम सलमान मसी। बिगड़ गई ये थोड़े दिना तो बिगड़ गई गानों को मैंने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया एक आपके वाला और इससे पहले उस्ताद राहत फतेह अली खान का जो गाना था ना मिलना भी जरूरी था बिछड़ना भी जरूरी था लेकिन आपने गाना अपना चेंज किया है क्यों आपने हमें गाना नोट करवाया था उस्ताद मेहदी हसन खान साहब का है ना जी जी लेकिन आपने उसको अचानक उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के गाने से बदल दिया दरअसल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब मुझे ज्यादा पसंद है ज्यादा So, इन्होंने अपनी सिलेक्शन को अचानक चेंज किया यहाँ पे जो गाना इन्होंने हमें नोट करवाया था उससे बिल्कुल बदल दिया सिचुएशन को देखते हुए चेंज कर दिया वेरी इंटेलिजेंट वेरी इंटेलिजेंट कितने नंबर है सलमान के 7 8 8 9 9.5 ओके आपका नाम क्या है उष्णा उष्णा ने 9.5 दिए हैं सलमान सो बहुत सारी तालियां और अब हम ब्रेक पे जाएंगे लेकिन दिस विल बी आवर फाइनल ब्रेक इसलिए कि आई होप एंड आई विश मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ ब्लाइंड आइडल स्पॉन्सर्ड बाय अल मुदस्सर ट्रस्ट जो खारिया में एक बड़ा ज़बरदस्त सा ट्रस्ट है जहाँ पर ऐसे बच्चों को जो देख नहीं सकते जो सुन नहीं सकते डिसेबिलिटीज़ का शिकार हैं डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनको केटर किया जाता है लुक आफ्टर किया जाता है नर्चर किया जाता है ग्रूम किया जाता है और उनकी तमाम जो भी उनके अंदर टैलेंट हो उसको वो सामने लेकर आते हैं सो आज हम ब्रेक पे जब जाएंगे तो उसके बाद हम वापस आएंगे जजेस तो दो और हमारे सिंगर्स हैं जिनको आप सुनेंगे और उसके बाद आप अपनी जजमेंट देंगे कि हु इज क्वालिफाइंग फॉर द फाइनल राउंड जो कि आप लोग कल देख सकेंगे लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं स्टे विद अस खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए आओ फिर से मुस्कराए